गुड मॉर्निंग। साजिरिता ब्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग जो है मेरे फरी किंग्स का है और ये बच्चे जो है बहुत हेल्दी हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत स्वस्थ रहेंगे आगे जाकर। इसके पहले लौट के जो बच्चे थे उनको मैंने पाला है और वो तीन बड़े हो गए हैं, अब वो नहीं आते हैं क्योंकि ये छोटे बच्चे जो मेरे घर में रहते हैं इसलिए इनके जो बड़े वाले जो लौट के जो बच्चे हैं वो अब यहाँ नहीं आते हैं। कभी कभी मैं उनको बुलाती हूँ लेकिन वो आते नहीं हैं। तो मेरा यही काम है कि छोटे छोटे बच्चों को मैं बड़ा करके छोड़ देती हूँ और ये जो बच्चे हैं हमारे कॉलोनी में सभी के घर में एक एक घर में वो पहरा भी देते हैं और बहुत हेल्दी भी हैं। हमारे कॉलोनी में सारे लोग इनको भोजन भी देते हैं और प्यार भी करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो बच्चे हैं ना वो किसी को भी आज तक काटे नहीं हैं। इसके पहले लौट वाले जो बच्चे मैं लगभग 5 साल से इनको पाल रही हूँ तो ये किसी ये बच्चे जो है ना फ्रेंड्स इतने प्यारे हैं, इतने मासूम हैं, इतने भोले हैं। इनको मालूम नहीं होता है कोई बुलाता है उसके बाद लकड़ी से मार देता है या फिर ज़ोर से रास्ते में जब पता है कि बच्चे रास्ते में सोए हैं तो थोड़ा सा रुक करके जाएं या साइड से जाएं। वो फुल स्पीड में चलाते हैं बाइक तो कभी कभी ये ठोकर लग जाते हैं, बच्चों को लग जाती है। तो इनमें से दो में से जो एक बच्चा था ना फ्रेंड्स तो उसको किसी ने हिट कर दिया टोटो वाले ने, तो ये बच्चा एकदम अधमरा जैसे हो गया था। तो फिर उसको बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने उसको बचाया है, बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि यहाँ वेट का कोई डॉक्टर भी नहीं है तो समझ में नहीं आता है छोटे बच्चों को। और इसकी माँ जो है बस सिर्फ खाली इसको खाली देखकर निहारा करती थी। तो जैसे तैसे फ्रेंड्स वो ठीक भी हो गया कुछ दो तीन दिन के बाद में चलने फिरने लगा। लेकिन फिर उसके बाद एक और मुसीबत आई कि इसी में से जो छोटा वाला बच्चा है जिसको मैं अभी गोद में ली हूँ वो बच्चा ना फ्रेंड्स जाते जाते मेरे हाथ से निकलने वाला था। मुझे मने इतना ख़राब लग रहा था, मैं आप लोगों को वीडियो में भी शेयर की हूँ कि ये जो बच्चा है मेरा एकदम से इतना दिल लग गया है इन बच्चों के साथ में, मेरे को इनसे कोई घिन नहीं लगती है फ्रेंड्स। मैं इनको सब समय गोद में लेती हूँ, मेरे हस्बैंड इनको बोलते हैं कि तुम इनको क्यों गोद में उठाती हो। क्या करूँ फ्रेंड्स कि ये बच्चे जो है ना इतने मासूम है ना, ये खाने के लिए नहीं आते हैं सब समय, वो गोद में चढ़ने के लिए आते हैं। इतने छोटे से हैं और इसकी माँ जो है छोड़ के चली गई थी हमारे भरोसे में जिस दिन बारिश हो रही थी ना, तो इतने असहाय उसकी माँ थी। आप यानी अनुमान नहीं लगा पाओगे कि बगैर देखे आप सोच ही नहीं सकते कि वो क्या कहना चाह रही है उसकी मम्मी। दो बच्चों को इतने असहाय हालत में ला करके मुंह में ला करके मेरे पास में छोड़ी थी ना, तो मैं इनको वापस और भगा नहीं पाई। तो फिर उसके बाद से वो रह गए। तो बात यह है कि फ्रेंड्स फीलिंग्स को समझना चाहिए। आज मुसीबत में है ये लोग तो आए हैं तो इस वजह से मैं इनको रख ली थी। तो बस मेरा यही ख्याल था कि 2-3 महीने तक ये रहेंगे, बड़े हो जाएंगे तो फिर वापस अपने आप चले जाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रीट में जन्म लेते हैं और इनको स्ट्रीट ही अच्छा लगता है। ये आज़ाद रहते हैं और इनको किसी जगह पर बांध के रखना संभव नहीं है और वो प्यार से बंधे रह सकते हैं लेकिन इनको किसी रस्सी से चेन से बांध के रखना उचित भी नहीं होगा। तो हम लोग लाड दुलार करते हैं और मेरी बच्ची का बहुत शौक था कि एक पेट पालें, लेकिन क्या है फ्रेंड्स घर छोटा है ना, तो जो हम अच्छे जो देसी या विदेशी कुत्ते जो हैं उनको पालेंगे तो पालने के लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होता है, तो वो स्पेस हमारे घर में था नहीं, है नहीं। सो हम लोग ने इसी से ही हमने अपना शौक जो है पूरा कर लिया। तो ये बच्चे जो है मेरे पास में मेरे अपने दो खरगोश के बच्चे हैं, उसके बाद में ये दो बच्चे, और मैं इस तरह के हर साल कुछ ना कुछ पेट्स पाला करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स सबके घर में कुछ ना कुछ खाना रह ही जाता है ना, तो क्या ही होगा अगर इनको थोड़ा सा दे ही देते हैं, सुबह दो रोटी है, शाम को दो रोटी, दोपहर में थोड़ा सा खाना दे दिया, क्या ही जाएगा किसी का। और ये तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ खाना खा करके कहीं चले जा रहे हैं, ये आपके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। ये इनका जो वाइब्स है, इनका जो ये जब सामने आते हैं ना तो इनका पॉजिटिव नेचर जो है वो सब समय अच्छा लगता है। इनको देख के इतनी एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी कि हम क्या बताएं। और हर समय इनका फेस जो रहता है ना हैप्पी रहता है। जिस समय ये बच्चा का जान जा रहा था ना एकदम से, मैंने लास्ट स्टेज में था, इसमें से एक बच्चा जो अभी नीचे है
वो वाला, तो वो जो बच्चा है ना फ्रेंड्स, वो अपने अंतिम समय में भी ना मैं उसको बुला रही थी ना छुटुआ छुटुआ करके, तो वो बच्चा ना पूछ हिला रहा था मरने के टाइम में फ्रेंड्स। लेकिन उसके बाद ना उसका जो दांत था ऊपर और नीचे वाले दांत जो है वो चिपक गए थे, वो किसी हालत से खुले नहीं रहते, तो उस हालत में भी ना वो हमें बुला रहा था, रिस्पॉन्स कर रहा था। तो उसके बाद से हम लोग जो है ना आराम से फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दिए कि भाई ईश्वर ही उसका मालिक है, जो करना है करेगा ईश्वर। तो फिर दो दिन तीन दिन उसी हालत में रहने के बाद में वो जब मेडिसिन किसी तरह से उसके मुंह में मेडिसिन डाले थे, तो मेडिसिन खाने के बाद से वो जो वोमिटिंग करने के बाद वो थोड़ा सा ठीक लगने लगा। तो उसके बाद से दो तीन दिन के बाद में वो फिर वापस से नॉर्मल होने लगा। तो फिर हम लोग के जान में जान आई, ये वही बच्चा है देखिए, ये नीचे वाला। फ्रेंड्स इनका भाग्य भी इतना अच्छा है ना कि क्या ही बताऊं मैं आपको, कि कोई भी रास्ते से जाता है ना तो इनको दो तीन बिस्किट डाल के चला जाता है। जैसे मॉर्निंग में न्यूज़पेपर वाला आता है तो वो बिस्किट डाल देता है, या कोई आंटी लोग जाती है या काम वाली जाती हैं तो दो तीन बिस्किट डालते हुए चली जाती हैं। और ये लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा, ये इनका फेस इतना मासूम है ना, देख करके ही लोग प्यार में पड़ जाते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है ये बच्चे। तो मैं तो इनके साथ खेलते खेलते मेरा सारा दिन निकल जाता है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। मुझे ये एनिमल्स बहुत पसंद है फ्रेंड्स, जैसे जो भी आप कहो आप, यानी बहुत लोगों को अच्छा लगता भी है और बहुत लोगों को नहीं भी, पर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स।